फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12 प्लस एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की हैंगिंग की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपका फोन हैंग करता है तो सबसे पहले आपको अपने फोन को ना एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके फोन में ये फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के आपको ओपन कर लेना है। इसमें आपको ना नीचे की साइड में ऐप्स का ये ऑप्शन आपको टैप करना है, ठीक है। अब अगले पेज में सबसे ऊपर सिस्टम ऐप जो लिखा हुआ है, सिस्टम ऐप पे टैप करना है। अब देखिए, इस वाले पेज में आपको ना नीचे की साइड ये ऑप्शन आपको एक मिलता है, ये वाला एंड्रॉइड सिस्टम का ये ऑप्शन टैप करना है, ठीक है। अब देखिए, इसके अगले पेज में आपको ना नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन आपको टैप करना है, ठीक है। तो आपका कैच के सामने डेटा तुरंत जीरो हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर आपको अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन के अंदर जो ऐप आपके अपडेट नहीं है ना, उन सभी ऐप्स को अपडेट करना है अपने प्ले स्टोर में जाके, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है, नीचे आपको जो है ना सॉफ्टवेयर अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पे जो ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है, नीचे आपका पेज आता है, इसमें इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की हैंगिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है ना, उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है, ठीक है। तो ये दो काम पहले करने हैं, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। तो मेरे बताए तरीके आपको यूज करने से आपके मोबाइल फोन की हैंगिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।